नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कोड़ी रानी और धूर्त तांत्रिक पार्ट टू। इधर गिरती पड़ती रानी सुलोचना राज्य के बाहर स्थित वन में जा पहुंची। वह निढाल होकर एक पेड़ के नीचे पड़ गई। पता नहीं कब तक वह उसी अवस्था में पड़ी रही। दिन ढले जब उसकी तंद्रा टूटी। युवराज तारा के बिना जीने से क्या फायदा, मुझे किसी नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यह सोचकर वह एक दिशा की ओर चलती, लेकिन अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि रानी सुलोचना रुको, रानी सुलोचना रुको। अपने नाम की पुकार सुनकर सुलोचना ठिठक गई। इस बियाबान वन में मुझे कौन पुकार रहा है। तभी उसकी दृष्टि सामने से आते घुड़सवार पर पड़ी। जैसे ही घुड़सवार उसके नज़दीक आया, भागमती तुम कहाँ जा रही हो। मैं आपके पास ही आई हूँ, लो अपनी धरोहर संभालो। कहते हुए भागमती ने गोद में लिया नवजात शिशु सुलोचना की ओर बढ़ाया। ओह, यह तो युवराज तारा है। भागमती, तुम इसे क्यों लेकर आई हो। महारानी, जब आप युवराज तारा को साथ ले जाने के लिए महाराज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, तो मैं कक्ष के बाहर छिपी सब कुछ देख रही थी। तभी मैंने मन ही मन प्रण कर लिया था कि युवराज तारा को किसी न किसी प्रकार आप तक अवश्य पहुँचाऊँगी। जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं युवराज को लेकर आपके पास दौड़ी चली आई। भागमती, यह तो तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन राजकुमार तारा को अपने स्थान पर न पाकर राजा कुशल तहलका मचा देंगे, तब क्या होगा। रानी जी, इस सब की फिक्र आप न करें और जल्दी ही युवराज को लेकर यहाँ से चली जाएं। तुम ठीक कह रही हो भागमती। तब पुत्र को छाती से लगाकर सुलोचना वहाँ से चल पड़ी। उधर दूसरी ओर युवराज तारा को कक्ष में ना पाकर, ओह, युवराज तारा अपने पाले में नहीं है, कौन ले जा सकता है उसे। सारे राजमहल में युवराज तारा की ढूंढ मच गई। युवराज तारा अचानक ही कहाँ गायब हो गया है, उसे धरती खा गई या आसमान निकल गया। ओह, हमारी आंखों का तारा न जाने इस समय कहाँ होगा। राजा कुशल उदास हो शैया पर गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। उधर रानी चित्रगंधा और रानी सोमप्रभा भी युवराज तारा के लापता हो जाने से हक्की बक्की थी। सुलोचना तो राजमहल से खाली हाथ हो गई थी, फिर युवराज कहाँ गया। महारानी चित्रगंधा, यह अच्छा नहीं हुआ, हमने युवराज तारा का अनिष्ट तो नहीं चाहा था। राजा कुशल की बुरी हालत थी। ओ भगवान, यह तूने क्या किया, इतनी ढेर सारी खुशी देकर अचानक ही सब कुछ छीन लिया। इधर रानी सुलोचना पुत्र को लेकर वन में भटक रही थी। रात घिर आई है, लगता है यह रात मुझे इस वन में ही काटनी पड़ेगी। यह सोचकर सुलोचना एक पेड़ के नीचे बैठ गई। न जाने रात्रि के कौन से पहर में उसकी आंखें लगी कि वह बैठे बैठे ही सो गई। दूसरे दिन प्रातः जब उसकी आंख खुली, तुम कौन हो बहन और इस बियाबान जंगल में अपने नवजात शिशु के साथ क्या कर रही हो। यह सुनकर सुलोचना के सब्र का बांध टूट पड़ा और वह फूट फूट कर रोने लगी। अरे यह क्या, तुम तो रोने लगी, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, क्या अपने भाई को अपना दुखड़ा नहीं सुनाओगी। सुलोचना किसी प्रकार चुप हुई। तत्पश्चात, भैया तुमने मुझ दुखियारी को अपनी बहन कहा है। हाँ बहन, आज से तुम मेरी बहन हो, अब मुझे यह बताओ कि तुम किस नगर की रहने वाली हो। सुलोचना की आंखें भर आई। भैया, मेरे नगर का नाम ना ही पूछो तो अच्छा है। अच्छा, नगर का नाम ना बताना चाहो तो ना सही, पर अपने परिवार के बारे में तो बता दो। भैया, यूँ तो इस दुनिया में मेरा पति भी है, लेकिन मुझे कोढ़ हो जाने के कारण उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरे इस नवजात शिशु के अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो बहन, आज से तुम बेसहारा नहीं हो, तुम अपने बेटे के साथ मेरे राज्य चलोगी। हम गुलाबपुर के राजा हरि सिंह हैं, हम तुम्हारे कोढ़ का इलाज करवाएंगे। राजा हरि सिंह के बार बार अनुरोध करने पर रानी सुलोचना अपने पुत्र को लेकर उसके साथ चल दी। सुलोचना को साथ लेकर राजा हरि सिंह अपने राज्य महल में पहुंचा। महारानी विद्यापति, यह हमारी बहन सुलोचना और नन्ना भांजा तारा है, आज से ये दोनों इस राजमहल में ही रहेंगे। आओ बहन सुलोचना, तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखा दूं। महारानी विद्यापति सुलोचना को लेकर एक कक्ष में पहुंची। बहन सुलोचना, आज से यह कक्ष तुम्हारा है, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो इस दासी से कह देना, तुरंत ही वह चीज उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद भाभी। उसके जाने के पश्चात राजा हरि सिंह और महारानी विद्यावती कितने भले हैं,
मेरे कोड से इन दोनों ने बिल्कुल भी घृणा नहीं की, जबकि मेरे अपनों ने कोड के कारण मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। दूसरी ओर राजा हरि सिंह ने अपने राजवैद्य को बुलवाकर कहा, राजवैद्य जी, हमारी धर्म बहन सुलोचना को कोड हो गया है, आपको उसका उपचार करना है। महाराज, सबसे पहले मैं रोगिनी का निरीक्षण करना चाहता हूँ। मैं रोगिनी को देखने के पश्चात ही बता सकूंगा कि उसके कोड का उपचार संभव है या नहीं। तब राजा हरि सिंह राजवैद्य को सुलोचना के कक्ष में ले गए। राजवैद्य ने बड़ी सूक्ष्मता से सुलोचना का निरीक्षण किया। तत्पश्चात, महाराज, सुलोचना जी का कोड कोई साधारण कोड नहीं है, यह कोड अभिमंत्रित लोबान की राख को खाने से हुआ है। इस कोड को तो धन्वंतरी वैद्य ही ठीक कर सकते हैं। वही धन्वंतरी वैद्य जो शंखचूड़ पहाड़ पर कुटिया बनाकर रहते हैं, जो वैद्य के साथ साथ अनेक शक्तिशाली सिद्धियों के भी स्वामी हैं। हाँ महाराज, आपने सही पहचाना। ठीक है, कल ही हम धन्वंतरी वैद्य के पास जाएंगे और उन्हें बुलाकर गुलाब पिलाएंगे। दूसरे ही दिन रथ में बैठकर राजा हरि सिंह धन्वंतरी वैद्य के पास पहुंचे। कहो राजा हरि सिंह, कैसे आना हुआ? वैद्यराज, मेरी बहन कोढ़ के रोग से पीड़ित है, मैं आपको लेने आया हूँ, आप गुलाबपुर चलकर उसका उपचार कीजिए। हम तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे राजा हरि सिंह। तब धन्वंतरी वैद्य अपनी औषधियों की पोटली लेकर राजा हरि सिंह के साथ चल दिए। गुलाबपुर पहुंचकर धन्वंतरी ने सुलोचना के कोड का निरीक्षण किया, फिर औषधियों की पोटली में से एक पात्र निकालकर उसमें कुश डालकर सुलोचना से कहा, लो सुलोचना बेटी, इस भस्मी को तुम तुरंत ही पानी के साथ फांक लो। अच्छा वैद्य जी। सुलोचना ने तुरंत ही भस्मी को मुंह में डाल लिया और ऊपर से पानी पी लिया। कुछ क्षण ही बीते थे कि ओह, मेरे हाथों का कोड ठीक हो गया। सुलोचना बहन, तुम्हारे हाथों का नहीं, समस्त शरीर का कोड दूर हो गया है। क्या सच भैया? हाँ बहन, आज मैंने जाना कि हमारी सुलोचना बहन कितनी रूपवती है। यह सुनकर सुलोचना की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने कृतज्ञता पूर्वक धन्वंतरी वैद्य की ओर देखा। वैद्य जी, मेरा कोड दूर करके आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है, अब मेरे नन्हे पुत्र तारा को भी आशीर्वाद दीजिए। क्यों नहीं, अवश्य, कहकर धन्वंतरी वैद्य ने खेलते हुए तारा को गोद में उठा लिया। सुलोचना बेटी, तुम्हारा पुत्र तारा दीर्घायु होगा, इसका यश समस्त दुनिया में फैलेगा, लोग इसकी जय जयकार करेंगे। क्या मेरा पुत्र इतना भाग्यशाली है? हाँ सुलोचना। राजा हरि सिंह धन्वंतरी वैद्य को शंखचूड़ की पहाड़ी तक रथ में छोड़ने आए, जब वे वैद्य जी को छोड़कर जाने लगे। वैद्य जी, एक बात समझ में नहीं आई, आपने सुलोचना के पुत्र तारा को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया है, एक गरीब माँ का बेटा भला इतना ऊंचा कैसे उठ पाएगा? राजा हरि सिंह की बात सुनकर धन्वंतरी वैद्य खिलखिलाकर हंस पड़े। तत्पश्चात बोले, राजा हरि सिंह, तुम बहुत भोले हो, सुलोचना की गरीबी तो उसी दिन दूर हो गई थी जब तुमने उसे अपनी धर्म बहन बनाया था, और फिर सुलोचना स्वयं किसी साधारण परिवार की नहीं है। क्या मतलब? महाराज, सुलोचना एक राजा की रानी है। कोड हो जाने पर, एक धूर्त तांत्रिक के बहकावे में आने पर उस राजा ने सुलोचना को राज्य से निकाल दिया था। ओह, उस राजा ने रानी सुलोचना के पुत्र तारा को उसे नहीं दिया था, लेकिन एक वफादार दासी वन में रानी सुलोचना को उसका पुत्र दे गई। सुलोचना का पुत्र अपने पिता की राजगद्दी का उत्तराधिकारी है। वह राजा तो युवराज तारा के गम में डूबा हुआ है, उसे तो यह भी पता नहीं है कि युवराज तारा सुलोचना के पास है। ओह, रानी सुलोचना ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी, मैं आज ही उनसे जाकर इस बारे में पूछूंगा और शीघ्र ही शान चौकत के साथ उन्हें उनके पति के पास छोड़ कर आऊंगा। नहीं राजन, ऐसा गजब न करना, अभी इस बारे में आप रानी सुलोचना से कुछ न कहना, उन्हें तो यह भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपको उनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन क्यों वैद्य जी? राजन सुनो, सुलोचना की दो सौतन है और दोनों ही रानी सुलोचना की पक्की दुश्मन है। अगर रानी सुलोचना इतनी जल्दी फिर उनके पास पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा, इस बार वे रानी सुलोचना को जीवित नहीं छोड़ेंगी। तब मैं क्या करूँ वैद्य जी? राजन, इस समय आपका चुप ही रहना बेहतर है। ठीक 25 वर्ष बाद जब युवराज तारा युवा हो जाए, तब आप उसे लेकर मेरे पास आना, तब मैं आपको बताऊंगा कि तारा किस देश के राजा का पुत्र है। ठीक है वैद्य जी, मैं ऐसा ही करूंगा। तब धन्वंतरी वैद्य को प्रणाम कर राजा हरि सिंह हैरत में डूबा हुआ अपने राज्य वापस चला गया।
गुलाबपुर पहुंचकर जब राजा हरि सिंह ने महारानी विद्यावती को रानी सुलोचना और युवराज तारा के विषय में बताया, महाराज तब तो तारा साधारण बच्चा नहीं है, वह एक युवराज है, इसलिए उसका लालन पालन राजकुमारों की भांति ही होना चाहिए। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी महारानी, हम अपने पुत्र वैभव के साथ साथ तारा को भी राजनीति और युद्ध कौशल की शिक्षा दिलवाएंगे। तब राजा हरि सिंह और महारानी विद्यावती स्वयं तारा की देखभाल में लग गए। राजा हरि सिंह और महारानी विद्यावती मेरे पुत्र को कितना प्यार करते हैं, ये दोनों जरूर कोई पुण्य आत्मा है। धीरे धीरे इसी प्रकार समय गुजरता गया। जब युवराज तारा और युवराज वैभव 6 वर्ष के हुए तो राजा हरि सिंह उन्हें विद्याधर ऋषि के आश्रम में ले गए। ऋषिवर, इन दोनों कुमारों को आपने राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा देनी है, आज से ये दोनों आपके सुपुत्र हैं। महाराज, आज से इन दोनों कुमारों के चरित्र निर्माण का भार मुझ पर है, मैं इन दोनों को हर विषय में भली प्रकार से पारंगत कर दूंगा। हम भी ऐसा ही चाहते हैं ऋषिवर। तब तारा और वैभव को विद्याधर ऋषि के पास छोड़कर राजा हरि सिंह वापस लौट आए। विद्याधर ऋषि तारा और वैभव को राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा देने लगे। अच्छा राजा वही है जो अपनी प्रजा के हर सुख दुख को समयानुकूल जांचता परखता हो और हर समय प्रजा की उन्नति के बारे में ही सोचता रहता हो। इसी प्रकार अच्छा योद्धा वही है जो रणभूमि में कभी भी शत्रु को पीठ ना दिखाए और हमेशा रणभूमि से जीत कर ही वापस लौटे। इस प्रकार तारा और वैभव की शिक्षा प्रारंभ हो गई। दूसरी ओर राजा कुशल तारा की याद में घुल घुल कर बीमार रहने लगे थे। हाय, हमारे फूल से बेटे को न जाने कौन ले गया, पता नहीं वह जीवित भी है या नहीं। महारानी चित्रगंधा और रानी सोमप्रभा भी राजा कुशल की हालत देखकर दुखी थी। राजा कुशल को यह क्या हो गया है, हमने ऐसा तो कदापि नहीं सोचा था। महारानी चित्रगंधा, हमें एक बार फिर तांत्रिक कराल की सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए, वह अपने जादुई शीशे के गोले में देखकर बता सकता है कि युवराज तारा इस समय कहां पर है अथवा वह जीवित भी है या नहीं। सोमप्रभा, तकदीर ने यहां भी हमें धोखा दे दिया है, कुछ माह पहले ही एक धार्मिक अनुष्ठान करते हुए दुष्ट आत्माओं ने तांत्रिक कराल पर धावा बोल दिया था जिससे तत्काल ही तांत्रिक कराल की मृत्यु हो गई थी। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। सोमप्रभा, राजा कुशल पुत्र विभोग से व्याकुल है और हम चाहकर भी उनका दुख नहीं बांट सकती। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी अवस्था में हम क्या करें। धीरे धीरे इसी प्रकार अनगिनत वर्ष बीत गए। युवराज तारा और युवराज वैभव अब पूर्णतः युवा हो गए थे। आज तुम दोनों की शिक्षा पूरी हो गई है, अब तुम दोनों राजमहल वापस जा सकते हो। जी गुरुदेव। विद्याधर ऋषि को प्रणाम करके दोनों ने वस्त्र बदले और राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल में पहुंचकर तारा सबसे पहले अपनी माँ के पास आया। ओह, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, भगवान इसे किसी की बुरी नजर न लगे। माँ, सुलोचना ने तारा को छाती से लगा लिया। यही वह क्षण था जब राजा हरि सिंह ने सुलोचना के कक्ष में प्रवेश किया। बेटा तारा, अब तुम युवा हो गए हो, अब हम तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। कैसी जिम्मेदारी मामा जी? बेटा, तुम्हें इसी समय हमारे साथ शंखचूड़ पहाड़ पर चलना होगा, वहीं पर हम तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में बताएंगे। जैसी आपकी आज्ञा मामा जी। तारा को अपने साथ लेकर राजा हरि सिंह उसी समय शंखचूड़ पहाड़ की ओर चल दिए। पता नहीं मामा जी, मुझे शंखचूड़ पहाड़ पर ले जाकर कौन सी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। रथ को उन्होंने पहाड़ के नीचे ही छोड़ दिया और दोनों पैदल ही पहाड़ पर चढ़कर धन्वंतरी वैद्य की कुटिया में पहुंचे। वैद्य जी, तारा अब ठीक 25 वर्ष का हो गया है, इसलिए मैं इसे लेकर आपके पास आया हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया राजा हरि सिंह। कुछ देर सोचकर धन्वंतरी वैद्य ने राजा हरि सिंह से कहा, राजन, अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें बताऊं कि तारा के पिता का नाम क्या है। शीघ्र बताइए वैद्य जी। राजन, तारा धारानगर के राजा कुशल का पुत्र है। क्या? ओह, तो मैं राजा कुशल का पुत्र हूँ, लेकिन माँ ने मुझसे यह बात क्यों छिपाई? धन्वंतरी वैद्य ने तारा से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने अब तक बहुत कष्ट उठाए हैं, उसने अपनी सारी जवानी तुम्हारे आश्रय ही गुजार दी है। अब तुम जवान हो गए हो, अतः अपनी माँ को सुख देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। आज्ञा दीजिए वैद्य जी, मुझे क्या करना होगा? बेटा, आज से ठीक 10 दिन पश्चात पूर्णिमा के दिन तुम्हें अपनी माँ सुलोचना को साथ लेकर धारानगर जाना होगा। धारानगर? लेकिन क्यों वैद्य जी?
तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।